हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं रैपिड फायर करंट अफेयर का एक टॉपिक जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर रेलवेज, जिसको हम लोग NFR भी बोलते हैं शॉर्ट में, जिसका नाम है प्लान बी वॉन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड ऑन 9th of July. ठीक है, तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर रेलवे का एक जो प्लान बी है, उन्होंने अभी एक बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जीता है 9th July को. ठीक है, तो चलिए आज का ये टॉपिक डिस्कस करते हैं. द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉन्टियर्स रेलवेज प्लान बी वॉन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड ऑन 9th of July. इट हैज अडॉप्टेड अ यूनिक स्ट्रैटेजी टू कीप वाइल्ड एलिफेंट्स अवे फ्रॉम द ट्रेन ट्रैक्स. तो बेसिकली ये प्लान बी लाने का मकसद क्या था, ये था, ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी है ताकि वाइल्ड एलिफेंट्स को दूर रखा जाए ट्रेन ट्रैक से. ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केरला में ये देखा जा रहा है कि वाइल्ड एलिफेंट्स का एक्सीडेंट्स हो रहा है फ्रॉम ट्रेन. ठीक है, इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ असम एलिफेंट्स वुड ऑफन कम इन द वे ऑफ स्पीडिंग ट्रेन्स एंड डाई एज अ लार्ज पोर्शन ऑफ रेल ट्रैक्स पासिंग थ्रू फॉरेस्टेड एरियाज. इन अ बीड टू टैकल द प्रॉब्लम NFR केम अप विद प्लान बी इन 2017. प्लान बी देख लेते हैं, आइडिया क्या है बेसिकली इसका. द प्रोजेक्ट एम्स टू सेव द लाइव्स ऑफ एलिफेंट्स बाय इंस्टॉलिंग डिवाइसेस एट सेवरल लेवल क्रॉसिंग्स इन द स्टेट टू प्ले द साउंड ऑफ बजिंग हनी बीज. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, जब एलिफेंट ट्रैक की तरफ आएंगे तो एक हनी बी का साउंड, आपको बजिंग साउंड को प्ले कर दिया जाएगा ताकि टू ड्राइव अवे द पैची टर्म्स. ठीक है, स्टडी सजेस्ट एलिफेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ स्वार्मिंग bees. Despite the 29-year marked wildlife corridors where trains slow down and drivers restrict speed as a norm, elephants have often ventured into train tracks beyond the corridors. ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक. आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा. मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.